देश के कोने कोने से लोग आते हैं जो कि अपने पितर को पिंड करने के लिए। और जिस दिन तुम्हारे नाम से यहाँ पिंड और मुंड नहीं होंगे तुम धरती से बाहर आ जाओ। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नंबर है, आप लोग इससे सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए विष्णुपद मंदिर और बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है दोस्तों। मित्रों का सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में अगर पिंडदान किया जाए और गया में नहीं किया जाए दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मोक्ष धाम द्वार। ये पंचकोश क्षेत्र में गया सुर का शरीर फैला। दोस्तों ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में आप लोग का स्वागत है। क्या दोस्तों कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गया जी में और यहाँ पे पितृ पक्ष मेला जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये जो कि दोस्तों अभी 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 14 अक्टूबर तक पूरे गया में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चहल पहल होने वाली है। तो इस ब्लॉग में आप सभी लोग पूरा पितृपक्ष मेला दिखाने वाले हैं और अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई है वो सभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा अगर जो ब्लॉग में और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो गाइस सामने है, देख सकते हैं आप लोग सामने विष्णुपद द्वार और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं जो कि अपने पितर को पिंड करने के लिए। और यार जाम की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, पुलिसकर्मी काफ़ी ज़्यादा तैनात हो गए हैं। सर बाईपास का देखिए यहाँ पे विष्णुपद द्वार आप लोग देखेंगे पूरा विश्वविख्यात पितृपक्ष मेला। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है मैं जो कि मेला में काफ़ी भव्य नज़ारा रात को। और देखिए यहाँ पे विष्णुपद मंदिर द्वार का एरो दिया हुआ है इधर, तो इधर चलते हैं। और चहल पहल काफ़ी ज़्यादा दी गई क्योंकि अभी पितृपक्ष मेला जो कि 28 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक चलने वाली है तो इसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं दोस्तों काफ़ी सारे। देखिए यहाँ पे और यहाँ जूता चप्पल यहाँ उतारे देखिए बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण नंबर है, आप लोग इससे सहायता ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए दोस्तों, आप लोग अगर पितृपक्ष मेला में गया जी आ रहे हैं ये पिंडदान करने के लिए या फिर घूमने के लिए मेला में, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को फ्री में भोजन की व्यवस्था की गई है और कुछ कुछ दूरी पे दोस्तों यहाँ पे पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और वो भी ठंडे पानी की व्यवस्था है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग जो लोग देख रहे हैं जो पिंडदान करने के लिए जो कि लाइन में लगे हुए हैं, तो ये दोस्तों अभी सभी लोग जा रहे हैं विष्णुपद मंदिर में। तो दोस्तों आप लोग पूरा अंत तक वीडियो बने रहिएगा, आप लोग को पूरा इतिहास भी बताने वाले हैं दोस्तों कि आखिर क्या घटना हुई थी गयाजी में। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं वो है विष्णुपद मंदिर जहाँ पे दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि विष्णुपद मतलब विष्णु जी का पद है, यानी कि विष्णु जी का यहाँ पे पद चित्र है। और देखिए यहाँ पे लाइन में लग के अंदर ले जा। दोस्तों अब आप सभी लोग को गया की क्या कहानी है और क्यों इसका नाम गया जी पड़ा और यहाँ पे ही दोस्तों क्यों पिंडदान किया जाता है, तो ये सभी बातें और यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं जिसपे भगवान विष्णु का जो पद चिन्ह है और भगवान विष्णु किसी राक्षस पे लेटे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों ये सभी पूरी कहानी आप लोग आगे सुनिएगा एक पंडा बाबा के द्वारा, तो उसके बाद आप लोग को पूरा गया जी का महत्व पता चल जाएगा दोस्तों। आप लोग बस थोड़ा इंतज़ार करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके पूरा देखें। गया जी आप आए हुए हैं, आखिर गया जी में है क्यों? पूरे हिंदुस्तान में कई प्रकार के स्थल ऐसे हैं जहाँ पिंडदान होते हैं लेकिन गया जी में है क्यों? है कि नहीं? ये पिता बाबूजी पितरों का सुप्रीम कोर्ट में आप आए हुए हैं, पितरों का सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में अगर पिंडदान किया जाए और गया में नहीं किया जाए तो उसके पितृ की मोक्ष की नहीं मिल सकती है क्योंकि पितृपक्ष पितरों का पक्ष, इसीलिए सारे पितृ यहाँ निवास करते हैं और उनके नाम से कोई भी जल पिंड इत्यादि देते हैं उनकी संगति प्राप्त होती है। तो गयासुर नाम का एक राक्षस था, गयासुर नाम का एक राक्षस था, राक्षस था
साथी को होने के साथ श्री हरि नारायण का परम भक्त भगवान विष्णु का परम भक्त था। वे प्रत्येक दिन श्री हरि नारायण का पूजन पाठ इत्यादि करते। उनके जब तब से श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए और एक दिन साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद गयासुर से कहे कि गयासुर हमारी तुम्हारी तब तब से मैं अधिक प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, तुम क्या चाहो। गयासुर ने कहा कि प्रभु जब मैं यज्ञ करूँ, जब मैं पूजन करूँ तो हमारे दर्शन से हमारे स्पर्श से लोगों की मोक्ष की प्राप्ति हो। गयासुर ने वर मांगा, गयासुर ने कहा तो अरे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हो गए, लगातार उसकी यश बढ़ने लगा, यश बढ़ने लगा। जब कोई बुरा कर्म करे और कर्म करके गया सुर का दर्शन करे तो उसकी मुक्ति प्राप्त हो। सारे देवी देवता चिंतित होने लगे, ये कैसा अपने वरदान दे दिया है प्रभु, इसका कुछ निवारण कीजिए, नहीं तो ये पूरा स्वर्ग लोग नरक बन जाएंगे। सारे देवी देवता बैठक हुए, ब्रह्मदेव ने कहा कि हमारे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? हम एक यज्ञ करेंगे और यज्ञ के लिए सबसे पवित्र स्थान गयासुर का शरीर है। ब्रह्मदेव गयासुर के समक्ष प्रकट होते हैं। गयासुर ने कहा कि प्रभु आप किस उद्देश्य से हमारे पास प्रकट हुए, आपका क्या आदेश है? ब्रह्मदेव ने कहे कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और यज्ञ करने के लिए हमने सबसे पवित्र स्थल तुम्हारे शरीर को चुना, तुम्हारे शरीर को हमने चुना है। कहेंगे जैसी आपकी इच्छा। ये पंचकोश क्षेत्र में गयासुर का शरीर फैला, जहाँ बैठे ना ये गया जी है, गया नहीं, गया जी इसको बोलते हैं। आप देव बना हुआ है उस पर लिखा हुआ गया जी, इसके अलावा पंचकोश से जब हटते हैं तब गया है, लेकिन यहाँ क्या है, गया जी है। यज्ञशाला बना, यज्ञशाला निर्माण हुआ, यज्ञ हुआ, सारे देवी देवता उस पर विराज गए, यज्ञ होने लगा। फिर भी गयासुर, ये प्लान था सारे देवी देवताओं का कि हम उसको यज्ञ से नीचे दबा देंगे, लेकिन गयासुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार आखिर कब तक ये यज्ञ चले, हर चीज का सीमित समय होते हैं। सारे देवी देवता ने फिर श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं ये कैसा से उपाय आप करें, नहीं तो सारे देवता बहुत चिंतित हो रहे। श्री हरि नारायण प्रकट होते हैं गयासुर के समक्ष और कहते हैं कि गयासुर हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम धरती में समा जाओ, हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम धरती में समा जाओ। गयासुर कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, लेकिन दो वरदान मुझे चाहिए, दो वरदान मुझे चाहिए। क्या भाई चाहिए भाई? एक प्रत्येक दिन हमारे नाम से यहाँ पिंड होनी चाहिए और प्रत्येक दिन हमारे नाम से एक मुंड होनी चाहिए। आपने जो पार किया ना, आपने पढ़ा ना उसको, मोक्ष अंतिम सदगति ही तो मोक्ष है, कोई शमशान घाट थे बाबू, आपने जो आया ना कोई शमशान घाट, और सबसे पवित्र अगर कोई स्थल है तो शमशान घाट है, क्योंकि एक दिन तो सबको यहाँ पहुँचना है, राजा हो या रंग सबको ही जाना है। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, और जिस दिन तुम्हारे नाम से यहाँ पिंड और मुंड नहीं होंगे तुम धरती से बाहर आ जाना, तुम धरती से बाहर आ जाना, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उसको भगवान श्री हरि नारायण ने दबाए, पद को दबाते हैं और वही पद विष्णु पद के नाम से ये जाना जाता है। अभी हम चलेंगे हम लोग वहाँ, वहाँ भी जब कोई भी भगवान के शरण में चल जाता है तो उसकी सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, पिंड को भी पितृ को भी वहाँ जाकर के विसर्जन करेंगे और उनकी संपत्ति प्राप्त। यही बाबूजी गयासुर का और
गया का महत्व है जो मैंने आपको बताया। आपने नेट पर भी पढ़ा होगा, किताब में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक ब्राह्मण का मुख से अगर कथा सुनता है उसे कुछ अलग महत्व होती है। बोले प्रेम से विष्णु। तो दोस्तों यहाँ पे रहने ठहरने की व्यवस्था बनाई गई, टेंट देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लाइन में लगते हुए विष्णु जी का यहाँ पे देखिए मंदिर है विष्णु पद। और अभी मैं अंदर नहीं जा सकता दोस्तों, काफ़ी लंबा लाइन है, तो आप लोग को दर्शन नहीं करवा पाएंगे, इसके लिए सॉरी। यहीं से दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए विष्णु पद मंदिर, और बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे पितृपक्ष मेला पूरे अपने चरम पे है, और यहाँ पे जो कि गया जी में भी हम मौजूद है, लाखों के लाखों संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये जो सनातन धर्म को जितने भी लोग मानने वाले हैं वो लोग के लिए ये भूमि जो है मोक्ष की प्राप्ति है। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मोक्ष धाम द्वार, और आप लोग को पूरा जो कि पितृपक्ष मेला का जो दर्शन होता है जहाँ तक संभव हो वो आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो अभी मोक्ष धाम द्वार की ओर प्रवेश कर रहे हैं, और सामने देख सकते हैं मोक्ष धाम द्वार है। दोस्तों अब आप सभी लोग को उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे जो लोग पितृपक्ष में या फिर ऐसे पिंड दान करने आते हैं, तो फल्गु नदी के तट पर ही दोस्तों पिंड दान किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो कि उस जगह पे जा रहे हैं, और श्री गया जी में यहाँ पे मुक्ति द्वार का माध्यम है दोस्तों। तो आप लोग बहुत ही दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ पे दोस्तों पिंडदान होता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ और वहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो कि पिंडदान कर रहे हैं और मुंडन भी किए हुए हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जो नदी वो फल्गु नदी है, और इसी के तट पे देखिए यहाँ पे जो कि पिंडदान हो रहा है, और देखिए किस तरह से दोस्तों पिंडदान किया जाता है और मुंडन भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों कैसे पिंडदान कर रहे हैं लोग। दोस्तों जो कि पितृपक्ष में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पिंडदान करने के लिए लोग पहुँचते हैं, जो कि पूरे देश विदेश तक के लोग यहाँ पर आते हैं अपने पितरों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया गया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था की गई है दोस्तों, और यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है टेंट में। और यहाँ पे देखिए जो कि टेंट के नीचे सभी लोग यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोग को गया जी के बारे में पूरा इतिहास की जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।